हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं कुछ ऐसे एक्ट्स के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, और जिसको ना जानते हुए या थोड़ी सी भी हम लोग अगर उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो हमारे वो मिस्टेक हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा भविष्य में ना हो, जिसके चलते मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत लंबा नहीं है, और इसको पूरा देखिए और शायद आपको पसंद भी आए। मैं एक कोशिश शुरुआत की है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड रेगुलेशंस, जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट आया आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, फैक्ट्री एक्ट आया, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम्स में मिलते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्ट्स हैं, सो मैनी एक्ट्स आर देयर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। पहली स्लाइड में जो मैंने इंस्टॉल किया है, मेनली इन्वायरमेंटल्स एक्ट्स हैं, जैसे जी इन्वायरमेंट पर्यावरण संबंधित जो भी धाराएं हैं गवर्नमेंट ने समय समय पे पास की हैं, जिसमें एक आपका है जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, बचाव एवं नियंत्रण किसका, प्रदूषण का, जो कि एयर का होता है, वायु प्रदूषण होता है। ये एक्ट पारित हुआ 1981 में, अमेंडेड माने इसका सुधार, मतलब इसमें संशोधन हुआ 1988 में। ये तो आपका एयर का हो गया। जैसे अब देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इन 1986 में आया, और ये कई बार UPPCS में कई बार आ चुका है, और आपके SSC रेलवे में भी कई बार ही पूछा जा चुका है। बैंकिंग का तो नहीं कह सकते, लेकिन SSC में, रेलवे में, ग्रुप D, VDO, बहुत सारे, मतलब PCS में तो कई बार आया है, 2 से 3 बार मुझे खुद पता है। वाटर का जो दूसरा एक्ट है ये पूछा गया है, पहला वाला एयर वाला उतना नहीं पूछा गया, लेकिन जो वाटर का है, नंबर 3 पे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ द वाटर 1974, ये जो है इम्पोर्टेंट है। एक आपका 1986 इम्पोर्टेंट है, एक ही 1974 इम्पोर्टेंट है, और फिर है हजार्डस वेस्ट एक्ट। हजार्डस मतलब जो खतरनाक चीज़ें होती हैं, जो मतलब स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, वो हजार्डस मतलब वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, ये 1989 में। लेकिन जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक, आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो कि आज 1980 में, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, अगर हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में, तो हमें हमेशा इन चीज़ों पे अपनी पकड़ बनाए रहेगी। फॉरेस्ट 1980, इन्वायरमेंट 1986, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, मैंने क्लियर लिख भी दिया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। एक और जो मुझे मिला, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में है, उसे कभी पूछा नहीं गया लेकिन मैंने ऐड कर दिया है। और एक ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, ये एक्ट 1960 में पास हुआ, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसको शॉर्ट में PCA बोलते हैं, PCA, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, मतलब क्रूरता जो होती है जानवरों के प्रति, क्रूरता, उनके साथ कोई भी अन्याय या उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। फिर पहला फैक्ट्री एक्ट जो पास हुआ, वो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये वर्ल्ड लेवल का है, 1833 वर्ल्ड लेवल, लेकिन अगर इंडिया की बात करेंगे तो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास हुआ, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द वर्किंग चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, मतलब जो बच्चे फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे थे उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। जो 1833 है, ये एक्ट फैक्ट्री एक्ट ये भी है, बट नॉट इन इंडिया, इट द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड लेवल, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, बट इन केस ऑफ इंडिया
इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पास हुआ, किसके पीरियड में? लॉर्ड रिपन। अच्छा, पहले आप ये देख लें प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि इम्पोर्टेंट है, 1973 में, और प्रोजेक्ट टेलीफोन 1992 में। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, जो लोग तैयारी करते हैं बढ़िया जानते हैं। ये देखिए, लॉर्ड रिपन के पीरियड में आपका पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1881 में इन इंडिया। फैक्ट्री एक्ट क्यों बनाया गया, अब आप ये समझिए ना, फैक्ट्री एक्ट बनाने के पीछे ये कारण था कि जो हमारे मतलब जो अंग्रेज़ मालिक थे, जो मतलब यहाँ के जो लेबर्स थे उनके ऑनर वही थे, उनकी फैक्ट्रीज थी, बड़े बड़े वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पूंजीपति लोग थे, जिसको गवर्न करने थे करने वाले थे लॉर्ड रिपन, जो कि वायसराय थे उस समय। तो इनका पीरियड था 1881, वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल में आएंगे। तो उस समय क्या हुआ कि इन लोगों का जो वर्किंग पीरियड था वो कोई फिक्स नहीं था, 12-12 घंटे वो फैक्ट्रीज़ में वर्क करते थे। इवन बच्चों को भी जो है, जो कम एज के थे उनको भी लगाए रखते थे, उनको स्कूल नहीं जाने देते थे। तो इसलिए उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए लोगों ने दबाव बनाया और इस तरीके से एक्ट पारित हुआ इनके काल में, रिपन, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया इन 1981। देखिए मैंने क्लियर कट लिख दिया है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन। इनका जो वर्किंग पीरियड था लॉर्ड रिपन का, ये 1880 से 1884 तक था, टू इम्प्रूव द लेबर कंडीशन। और आपका फैक्ट्री एक्ट जो दूसरा आया हो 1891 में आया, इन पीरियड ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 टू 1894 इनका जो वर्किंग पीरियड था। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। बहुत बार पूछा गया है किसके काल में लागू हुआ, लॉर्ड लिटन के काल में लागू हुआ, लॉर्ड लिटन। प्रेस पे इन्होंने कंट्रोल लगा दिया था, प्रेस की स्वतंत्रता पे जान लीजिए कि एक तरीके से रोक लग गई थी। फिर आपका एक आर्म्स एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ 1878 में, और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने स्वतंत्र किया, मतलब रिपील, जो वर्ड हम एक इस्तेमाल करते हैं रिपील, देखिएगा अभी आप, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1882 बाय लॉर्ड रिपन। किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, और इसको दोबारा से लागू किसने किया, लॉर्ड रिपन ने लागू किया। और एक दूसरा जो बहुत बार पूछा गया है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, और एक और इम्पॉर्टेंट जो कई बार पूछा गया, वुड डिस्पैच, ये 1854 में। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है ये आपका किसके काल में पास हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में, क्योंकि 1905 तक थे लॉर्ड कर्जन, 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नर संबंधित है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे एक्ट और रूल रेगुलेशन थे कि जो कि आपको आने चाहिए। और अगर देखा जाए रेगुलेटिंग एक्ट की बात, तो उसके लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, एक मैं अलग उसके लिए वीडियो डेवलप करूँगा। सो ये है आपके लॉर्ड कर्जन, एक फ़ोटो मैंने डाल दी, कम से कम ऐसे थोड़ा सा फ़ोटो देखेंगे तो चीज़ें जल्दी याद होगी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसने पास किया, लॉर्ड कर्जन ने। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो व्हेन यू फॉलो एंड यू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।